हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। इसरो द्वारा हाल ही में एक नया कोर्स रिलीज़ की गई है, जिसके सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वेबसाइट IIRS का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको फ्री कोर्सेज इसरो द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन कोर्सेज को आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर जितने भी इसरो के लेटेस्ट कोर्सेज होंगे उन्हें आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि 75 जियोमेट्रिक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का ये कोर्स यहाँ पर आ चुका है। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया गया है, जो कि मैं आगे फिलअप करके बताने वाला हूँ। और ये कोर्स अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 16 तक होने वाला है, जो कि 10 डे का ये कोर्स होने वाला है, जो कि एक वैलिड इंस्टीट्यूट द्वारा आपको ये प्रोवाइड किया गया है। ये कोर्स आपको इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई है, जो कि इंस्टीट्यूट का नाम शाह एंड एंचर कोची इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि इवेंट क्या है और इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। सारी जानकारी इस पेज में लिखा गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अबाउट द कोर्स में आप देख सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, किन लोगों को सिखाया जाएगा, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में बताया गया है कि इस कोर्स में लिमिटेड सीट ही प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर ये सीट कवर हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करें, और इन कोर्सेज में सबसे पहले इनरोल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप इन कोर्सेज में इनरोल कर पाए। ड्यूरेशन में आप इस कोर्स के ड्यूरेशन देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। फीस की हम बात की जाए तो इस कोर्स में आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा, ना ही एग्जाम के लिए आपको पेमेंट देना होगा। सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम और अटेंडेंस की बेस में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सभी कॉलेज के स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि UG और PG स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम के क्यों ना हो और कोई ईयर के क्यों ना हो। साथ ही में वो भी स्टूडेंट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है, वो सभी कॉलेज के स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। कोऑर्डिनेटर में आप कोऑर्डिनेटर का नाम देख सकते हैं। प्रोग्राम शिफ्ट में आपको बताया गया है कि इनके ऑनलाइन सेमिनार इनरोल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, जो कि विंडो या OS सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ वेब कैमरा होना चाहिए, हेडफोन और माइक्रोफोन होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, जो कि आपके ऑनलाइन सेशन वेबिनार इनरोल करने के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसरो के वेबसाइट में आना है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपना फुल नेम टाइप करना है, जो कि 10th क्लास से मैच होना चाहिए। उसके बाद ईमेल ID, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड टाइप करने के बाद कैप्चा कोड टाइप करके रजिस्टर पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड टाइप करने के बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने सेलेक्ट कोर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। साथ ही में यहां पर आपको बताया गया है कि जितने भी पार्टिसिपेशन हैं उन सभी लोग सिर्फ 4 बार ही ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जो कि इसरो के कैलेंडर वाइज यानी कि 1 साल के अंदर आप सिर्फ 4 ही कोर्स इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा कोर्स इनरोल नहीं कर सकते, इसलिए आप 1 साल में 4 कोर्स इनरोल करेंगे। तो आप कोर्स पहले देख लीजिए कि किस कोर्स में आपको इनरोल करना है, उसके बाद ही उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स नेम में आपको अपना कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, जो कि एक कोर्स का नाम आ जाएगा, जिसे सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बाकी सारे डिटेल फिल करने होंगे, जो कि मैंने अपने हर एक इसरो के कोर्स के वीडियो में बताए हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना है। जो कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस फॉर्म को जानते होंगे कि किस तरीके से फिल करना है, तो आप सारी डिटेल फिल करें। जैसे कि मैंने अपना पुराना यूज़र नेम यहाँ पर दिया था, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे डिटेल पहले से ही फिल होके आ चुके हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मेरे सारे डिटेल्स शो होते जाएंगे, और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली
जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये सारे डिटेल फिल करने होंगे, फोटो अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोफाइल में अप्लाई पे क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि समय आने पर आप इस कोर्स में इनरोल कर पाएंगे। और अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपको एक सीट अलॉट हुई है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।